नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भविष्य नक्षत्र में। आज का वीडियो खास है कर्क राशि वालों के लिए, जिनकी नाम राशि शुरू होती है इन अक्षरों से। चंद्र राशि के लिए यह आपका राशिफल है, और राशिफल के अलावा भी यदि आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं जो कि ज्योतिषीय हों, वह पूछने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9818359075 और 9953359075 पर हमसे संपर्क करके सशुल्क अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। साथ ही साथ पूरे साल में आने वाले सभी व्रत एवं त्योहारों के लिए भी हमसे लगातार संपर्क में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अगर YouTube पर देख रहे हैं, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें भविष्य नक्षत्र.in को। लगातार हमारे साथ बने रहने के विशेष फायदे यह रहते हैं कि आपको अपनी राशि का राशिफल तो मिल ही जाता है, चाहे मासिक हो दैनिक हो। साथ ही साथ विशेष उपाय निशुल्क आपको हर वीडियो में ज़रूर दे देते हैं। तो क्या है विशेष उपाय और कैसा रहेगा यह माह अप्रैल का कर्क राशि वालों के लिए, इस बारे में है यह वीडियो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके लिए विशेष कुंडली बनवाई हुई है, और इस कुंडली के अंदर सभी ग्रह जैसे जैसे इस माह के गोचर के साथ बैठ रहे हैं आपके ग्रहों में, घरों में, उन ग्रहों के बारे में आज की चर्चा है, और कैसे ये फल देंगे यह भी आप आज की वीडियो में हमसे जान ही लेंगे। तो यदि हमारे बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सीधे सीधे गूगल पर लिखें ज्योतिष शरद स्वरूप, आपको सारी जानकारी वहीं से मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप अगर यह जानना चाहें कि कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है माह अप्रैल का 2023 में, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चार नंबर लिखा यानी कि कर्क राशि आपकी हो गई, चंद्र लिखा तो चंद्र राशि कर्क हो गई, और पहला ग्रह यदि देखें तो केतु ग्रह आपके माता के घर सुख के घर यानी चतुर्थ घर में आकर बैठ गए हैं। और केतु जब चतुर्थ में आकर बैठते हैं तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि 2023 साल ही है केतु का, 2+0+2+3 यानी कि 7 नंबर जब टोटल होता है, और 7 नंबर किसका है, केतु का है। और केतु आकर आपके सुख के घर में बैठ गए हैं, माता के घर में बैठ गए हैं, धन धान्य के और हर प्रकार के सुखेश बन जाते हैं। तब किस प्रकार के फायदे आपको देंगे, यदि आप आध्यात्म में हैं तो विशेष फायदे आपके लिए, यदि केतु के विशेष उपाय कर रहे हैं तो विशेष फायदे, घर में गाड़ी आ सकती है इस माह, यह भी आपके लिए फायदे बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि घर अधूरा था तो गृह प्रवेश के भी आपके योग बन रहे हैं 29 जून से पहले, और उसके बाद हमें चतुर्मास मिल रहे हैं यानी कि 5 महीने किसी भी प्रकार के शुभ काम करने के योग नहीं रहेंगे, तो उससे पहले हो सकता है आपकी गाड़ी या आपके घर का कंप्लीशन हो जाए और आप गृह प्रवेश कर जाएं, तो इस प्रकार के फायदे भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ यदि देखें अगला ग्रह कहाँ बैठा है तो शनिदेव आपके अष्टम में बैठ गए हैं, जो कि टेंशन इस माह आपके लिए बढ़ाएंगे। जी हाँ, कर्क राशि वाले अगर विशेष तौर पर देखें तो शनि जहाँ अगर अष्टम में आके बैठते हैं तो कुछ प्रकार के तनाव दे देते हैं, और यह तनाव आपके जीवन में भी इस माह रह सकता है, ख़ास तौर से आपके ससुराल पक्ष के द्वारा, या फिर आपको जो भी आपकी सेहत है उससे संबंधित भी परेशानियाँ इस माह रह सकती हैं शनिदेव के कारण कर्क राशि वालों को। तो विशेष ध्यान अपना रखें, ख़ास तौर से छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित। और इसके अलावा यदि देखें तो आप यदि देख रहे हैं यह राशिफल भाग्य के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, तो इस माह जब तक गुरु आपके भाग्य में बैठे हैं, गुरु तो वैसे भी भाग्य में बैठकर फायदा ही देते हैं, तो भाग्य में बैठे गुरु आपको 22 अप्रैल तक तो फायदा देंगे ही, उसके बाद आय के भाव में चले जा रहे हैं, क्योंकि महागोचर हो रहा है गुरुदेव का 22 अप्रैल 2023 में, और इसके बारे में विशेष वीडियो हम आपको अलग से दे ही रहे हैं गुरु गोचर के बारे में, तो वह वीडियो भी अवश्य देखें। और गुरु के गोचर ना होने तक तो आपको फायदा मिल रहा है हायर एजुकेशन और आपको फॉरेन सेटलमेंट में, तो अगर आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं या फॉरेन में सेटल होने जा रहे हैं तो विशेष फायदे आपको गुरुदेव देंगे 22 से पहले, और 22 के बाद आपकी आय की वृद्धि, यदि आप फॉरेन में जॉब करने जा रहे हैं या फिर आपकी जॉब में किसी प्रकार की वृद्धि को देख रहे हैं, कर्म में वृद्धि को देख रहे हैं, किसी आप प्रमोशन को देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर यह महीना रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। यदि देखें कि किस प्रकार यह महीना रहने जा रहा है आपकी आय को लेकर, तो आय में भी शुक्र के आपको प्रभाव मिलेंगे, शुक्र आकर बैठ गए आपके कर्म में और फायदा दे रहे हैं आपकी आय में, यानी कि कर्म और आय दोनों मिलकर रहेंगे, तो जो भी व्यापारीगण हैं या जॉब कर रहे हैं दोनों को ही फायदे इस माह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि देखें आप कि आपकी कर्क राशि में आकर मंगलदेव आपके खर्चे के घर में बैठ गए हैं, तो हाँ, प्रॉपर्टी से जो आपकी इनकम आ रही थी वो थोड़ी सी रुक सकती है, उसमें खर्चे बढ़ सकते हैं, यदि किराए पर प्रॉपर्टी दे रखी थी तो हो सकता है उसमें किसी प्रकार के खर्चे अब आकर खड़े हो जाएं, तो इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, बाकी सभी चीज़ें लगभग आपकी ठीक चलती रहेंगी। यह था राशिफल आपकी राशि कर्क के लिए, पर वीडियो को न छोड़ें क्योंकि उपाय रह गया इस माह के लिए आपके लिए, तो माता की सेवा
या माता के चरणों में सफेद फूल अर्पण करना इस माह आपके लिए विशेष उपाय रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष यह उपाय भी कर लें। और साथ ही साथ अपने कोई प्रश्न है कि काम नहीं बन रहे आपके, या किसी प्रकार के अन्य प्रश्न आपके ज्योतिषी हैं उनको पूछने के लिए सीधे हमसे जुड़े 9818-3590-75 या 9853590-75 पर, और अपने किसी भी प्रश्न का सशुल्क उत्तर हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, और माता रानी के व्रत यदि आपने रखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखकर जाएं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।